आपका नाम? राजू परदेसी। आपके पास आपकी कोई डिग्री डिप्लोमा? सातवीं फेल है साहब। अच्छा है, सातवीं फेल जी। इसका मतलब आप अंग्रेजी नहीं जानते। क्या बात करते हैं, अंग्रेजी में आपको हम काऊ का ऐसे सुनाऊं? काऊ का ऐसे? व्हाट? गाय का निबंध? नो नो नॉट काउ, बट यंग मैन टेल मी समथिंग अबाउट इंडिया। इंडिया? हाँ, इंडिया इज अवर कंट्री, इंडिया इज अवर मदर। काऊ इज ऑल्सो अवर मदर सर। यस सर, देयर इज वेरी क्लोज कॉम्पिटिशन बिटवीन काऊ एंड इंडिया। काऊ हैज फोर लेग्स, इंडिया हैज फोर पिलर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। काऊ हैज टू सिंग, इंडिया हैज उद्धम सिंह भगत सिंह। काऊ हैज टू आई, इंडिया हैज आर्मी एंड सीबीआई। नाउ इफ यू कम बिहाइंड द काऊ, अगर आप गाय के पिछवाड़े में आ जाए, टू क्लियर द मच्छर एंड मक्खी फ्रॉम द बॉडी ऑफ द काऊ, काऊ हैज अ लॉन्ग टेल। वी हैव अलोन वल्लभ भाई पटेल, ही वाज द पर्सन हु क्लियर द मच्छर एंड मक्खी फ्रॉम द बॉडी ऑफ द कंट्री, दोज हु वर डूइंग द सोशल ऑफ द कंट्री। नाउ इफ यू कम इन फ्रंट ऑफ द काऊ, काऊ हैज वन प्राइड नोज, सो इंडिया हैज, इंडिया हैज वन प्राइड सुभाष चंद्र बोस। From head to tail, cow is one. From Kashmir to Kanyakumari, India is one, and it will remain. तो सो, cow is India, and India is cow. मैं कब आऊँ? हैं? किसलिए? नौकरी पे साहब। वो क्या है कि मैं confused हो गया हूँ? हमने बल्ब फ्यूज होते हुए तो बहुत बार सुना था, मगर कान फ्यूज होते हुए आज पहली बार सुन रहे हैं। वो क्या है कि मैं कान के साथ साथ पूरा के पूरा फ्यूज हो गया हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि आपको नौकरी दूं या खुद नौकरी छोड़ के चला जाऊं। चले, दूसरा वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है। हाँ, दूसरा आइडिया अच्छा है, अच्छा है। तो इस बारे में जनता जनार्दन की राय लेना चाहूंगा मैं।